शेजारच्या छत्तीसगड राज्यातील आपल्या नातेवाईकांना हार्वेस्टर खरेदी करून त्यावर काढलेल्या विम्याची रक्कम हडपण्यासाठी रस्ता अपघात दाखवण्याचा प्रयत्न करीत खून केल्याच्या आरोपावरून सालेकसा तालुक्यातील 3 आरोपींना छत्तीसगड पोलिसांनी अटक करून घेतली आहे. हेमंत भैयालाल ढेकरवार हेमंत भैयालाल ढेकवार, सुरेश टोबनलाल मच्छीरके आणि प्रेमचंद गजलाल लिल्हारे अशी 3 आरोपींची नावे आहेत. तर उत्तम अमृतलाल जंघेल राहणार आमघाट जिल्हा खैरागड छत्तीसगड असे 10 मे रोजी ठार मारण्यात आलेल्या या व्यक्तीचे नाव आहे. खैरागड जिल्हा पोलिसांनी जारी केलेल्या पत्रकानुसार खैरागड जिल्ह्यातील आमघाट येथील रहिवासी उत्तम जंघेल यांचा मामी भाऊ हेमंत ढेकवार याने उत्तम जंघेल यांच्या नावावर स्कॉर्पिओ आणि हार्वेस्टर खरेदी करून त्याचा विमा काढून घेतला होता. तसेच आमगाव येथील ॲक्सिस बँकेतून 40 लाखाचे कर्ज काढण्यात आले होते. उत्तम जंघेल यांचे दोन्ही वाहने हेमंत ढेकवार यांच्याकडे असल्याची माहिती मिळताच संशयाच्या आधारावर हेमंतला पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्यानंतर हेमंत ढेकवार याने जंघेल याचा अपघात दाखवून विमा कंपनीकडे दावा केल्यास त्याची रक्कम मिळेल आणि ती रक्कम आपल्या कामात येईल या उद्देशाने त्याने आपल्या इतर दोघा मित्रांना बोलवून खैरागड तालुक्यात डोंगरगड मार्गावर उत्तम जंघेल यांचा 10 मे रोजी खून केला होता. परंतु खैरागड पोलिसांनी अखेर प्रकरणाचा उलगडा करून 14 मे रोजी आरोपितांना अटक केली. ये फ्राइडे को एक डेड बॉडी जो है कुम्ही रोड में मिली थी, डोंगरगढ़ रोड में, और प्रथम दृष्टया एक्सीडेंट ही लगा था, लेकिन इसमें जब पास से जाकर इसका मूल्यांकन किया गया तो कुछ संदिग्ध इसमें चीजें पाई गई, और इसके पश्चात इसमें डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक की टीम जो है दुर्ग जिले से जो है इसमें आई, और उनके आने के पश्चात जो है घटनास्थल का वृहद निरीक्षण किया गया, और उसके पश्चात जो है शाम में जब इसमें शॉर्ट पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुई तब पता चला कि गला दबाने से इसकी हत्या हुई है, ना कि कोई एक्सीडेंट है. तो इसको रूप देने का प्रयास किया गया था एक्सीडेंट का, गाड़ी के पहिए को चढ़ाने का कुछ निशान भी इसमें प्राप्त हुआ, और इस पर जो है इसकी पहचान जो है चुई खदान के थाना क्षेत्र के गांव के निवासी के रूप में हुई. और ये जो लड़का था इसके नाम से कुछ लोगों के द्वारा जो इनके रिलेटिव थे, क्लोज रिलेटिव थे, काफ़ी सारे फाइनेंस गाड़ियां वगैरह का कराया गया था, और इनको कहीं से ये जानकारी पता चली थी कि अगर किसी व्यक्ति की नेचुरल डेथ हो जाती है तो उसके द्वारा जो भी लोन या जो भी इंश्योरेंस वगैरह की राशि है वो आसानी से जो है प्राप्त हो सकती है. तो इसी बहाने इसके नाम से जो है काफ़ी सारा इन लोगों के द्वारा गाड़ी वगैरह इसके नाम से लिया गया, और जब बाद में इस व्यक्ति द्वारा भी कुछ मांग की जाने लगी कि मुझे भी मोटरसाइकिल दिलवा दो या इस प्रकार से, तो उनके द्वारा जो है इसे मोटरसाइकिल दिलवाएंगे बोल करके एक प्लानिंग के तहत जो है अपने दोस्तों के साथ मिल करके उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, और घटनास्थल जो है गातापार थाना क्षेत्र के आगे के जो जंगल हैं उस क्षेत्र में इसके साथ जो है गमछे से गला दबा करके पहले इसकी हत्या की गई, और बाद में जो है लाश को जो है एक्सीडेंट का रूप देते हुए दूसरे ही मार्ग में जा कर के फेंक दिया गया था. इसमें तीनों ही आरोपियों की अरेस्टिंग हो गई है और पर्याप्त साक्ष्यों का संकलन किया. ये जो है गातापार थाने के आगे लगभग 3 किलोमीटर आगे जो है इसके साथ घटना कारित की गई जंगलों में, और उसके पश्चात जो है वापस उस रोड से जा करके डोंगरगढ़ रोड में पहुंच करके बॉडी को फेंक करके एक्सीडेंट का रूप दिया. महाराष्ट्र TV 24 साठी नरेंद्र निखारेची रिपोर्ट आमगाव.